आप लोग को मेरा प्यार पहुंचे। जहां तक आप लोग ये आवाज सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज फिर इतनी करीब होकर के समस्या को सुन रहे हैं। तो भाइयों बहनों, मैं यहां से प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं और अभी आप दो दिन गुजर रही हैं कि सर सूरीनाम में एक बच्ची, एक औरत, एक लड़की 37 साल का मोनालिजा मेनार्ट, इस बच्ची इनका फ्रेंड इन्हें कत्ल करने के बाद इनके शरीर में आग लगा दिया। इनका फ्रेंड इस बच्ची को कत्ल करने के बाद मोनालिजा मेनार्ट के शरीर में आग लगा दिया। मोनालिजा मेनार्ट के परिवार अपने बेटी के फरमिसिंग के लिए, फरमिसिंग के इश्तिहार अखबारों में उनका फोटो दिया और रेडियो से ऐलान करवाई कि मोनालिजा मेनार्ट कुछ दिनों से घर से गई है, वापस नहीं आई है। शक के बुनियाद पर सिपाही ने मोनालिजा मेनार्ट का फ्रेंड को गिरफ्तार किया। दो दिन तीन दिन जब जेल में था और इस पर कड़ी किया गया सिपाही ने इनका फ्रेंड के ऊपर, तो ये ने कबूल किया कि ये मोनालिजा मेनार्ट को कत्ल करने के बाद उनके शरीर में आग लगा दिया है और बताया कहां वो होगा। सिपाही जो कुछ बचल रहा उनको बसलाख में ले लिया और ये कार्रवाई अब अंधेरा होने लगा है। लेकिन कल कुछ औरतें सूरीनाम में, सांद्रा द विच और कुछ औरतें और मर्द भी वाला फंक लगे इस प्लेन पर ये सब आ करके और इस समस्या जो हुआ है कि कैसे औरतों पर अत्याचार होती है, इसका एक आक्षी किए हैं ये लोग ने। या औरत या मर्द दोनों, ये सफेद कपड़े, उज्जर कपड़ा और कितने कांदरा कार्स वगैरह हाथ में लेकर के ये लोग शिकायत की है कि औरतों से, औरतों पर हमला जो लोग कर रहे हैं, दूर रहो, ये बेहतर है होगा। ऐसा ऐसा मामला हमेशा होता ही है। देखो ये जब एक फ्रेंच अपने फ्रेंडेन मोनालिजा मेनार्ट को हत्या की ना, तो कुछ दिन पहले एक आदमी जिसका नाम है योनातान एल, वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को स्कूल से, यूनिवर्सिटी से उनको निकाल करके क्लारिसा बोल्डवेन को ले जाकर के और हाईवे रास्ता पर इस बच्ची को कत्ल किया और गढ़ा खोद करके उन्हें भी गाड़ दिया, क्लारिसा बोल्डवेन को। अभी इसके बारे में और जिक्र करेंगे। लेकिन फ्रेंडेन को जब फ्रेंड के पेट भर जाते हैं फ्रेंडेन से, तो फ्रेंडेन को खून करके उन्हें गाड़ देते हैं जमीन के अंदर या उन्हें आग लगा दिया जाती है। औरतें मर्द कल शिकायत की है और अफंकलक है इस प्लेन से चल करके ये लोग अपने सरकार से गुजारिश करते हैं कि औरतों पर जो अत्याचार होती है सूरीनाम में, सरकार को इस समस्या को करीब निगाह से देख करके और इस समस्या को हल करना चाहिए। लेकिन हमारे लिए बात, जो बात मेरे सामने आया है भैया, दुख की बात यह है भैया लोग, कि जब जब ऐसा काम होते सूरीनाम में तो सिर्फ गैर लोग, मेरा कहने का मतलब है कि शिकायत जब ऐसा शिकायत के लिए औरतें मर्द जो आए हैं दाम पर, तो सिर्फ इसमें क्रियोल या मलाई या इंगी परिवार लोग आकर के शिकायत किए हैं, क्योंकि हिंदुस्तानियों को ये शायद ये हिंदुस्तानी के औरत या मर्द जो है ये बात समझ नहीं पाते हैं कि एक बच्ची के साथ क्या होते हैं देश में। आज उनकी बच्ची के साथ हुआ है, एक दिन हम लोग के बच्ची के साथ हो सकता है। इसलिए हमारे सूरीनाम के औरतें और मर्द जो है, लागबान ने लिखी सर, फ्रोन मुत अब कोमन फॉर हिन रेहतन हेट इज न्यू ऑफ नोट। लेकिन न खाली क्रियोल के औरत यानी कफन्नी और इंगी और बाकी लोग नहीं, हम देखना चाहते हैं
ایسا معاملہ میں ہندوستانی کے عورتوں بھی ہونا چاہیے اور ہندوستانی کے مردوں کو ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں اور ہم لوگ کو بھی مل کر کے اس دیش میں رہنا چاہیے۔ جب جب دیکھو کھڑی کریول، جب جب دیکھو کھڑی ملائی دام پر اور انگی پریوار، لیکن ہم ہندوستانی کھڑی بڑے بڑے بات کرتے ہیں، ہم لوگ کو بڑے بڑے بات کرنا ہے، لیکن جب ہندوستانیوں یہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو کون حق سے ہم اس دیش میں رہتے ہیں؟ ایک بچی کو، مونالیزا کو، ان کا فریج جب ان کا پیٹ بھر گیا، انہیں قتل کر کے ان کے شریر میں آگ لگا دیا۔ ایک دوسرا انسان جا کر کے اسکول میں، بچی اسکول میں پڑھ رہی ہے، انہیں اسکول میں سے نکال کر کے کلاریسا مولوین کو اور لے جا کر کے ہائی وے پر انہیں قتل کر دیا اور پھر گڑھا کھود کر کے ان کو وہیں گاڑ دیا، ان کا سواری لے جا کر کے بھسم کر دیا۔ بھائیو، یہ سمسیا جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہم لوگ کو بیٹھ کر کے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ بیٹیاں ہر ایک کے گھر میں ہیں اور ہر ایک کے بیٹیاں پر ایسا مصیبت آتے ہیں۔ اگر ہم لوگ مل کر کے یہ سمسیا کو آگے نہیں لے جائیں گے تو ہم لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جائیں گے۔ جب یہ عورتیں آئے ہیں دام پر، مرد لوگ آئے ہیں دام پر، ہم ہندوستانیوں کو آنا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے گھر میں جس طرح سے میں نے کہا 6 بیٹیاں ہیں، وہ بھی اسکول جاتی ہے اور وہ بھی یہاں وہاں نوکری کرتے ہیں سرکار کے دفتروں میں، اور اگر آج کچھ نہیں ہوا لیکن ایک دن اگر کچھ ہو سکتا ہے تو ہمارا ساتھ کے دے گا۔ جب ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں دیتے ہیں تو کیا یہ ہمارا ساتھ کبھی دے گا؟ بھائیو بہنو، ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے کہ جب کل ہم دیکھے ہیں کہ ایک ہندوستانی عورت اس میں نہیں ہے، ایک ہندوستانی مرد اس میں نہیں ہے، تو دل میں چوٹ لگتا ہے، یہ دکھ ہوتا ہے۔ یہ سورینام کی سمسیا ہے، یہ کوئی جات کے بات نہیں ہے۔ اگر آج اس سمے نے کہا مونالیزا مینارڈ کا ہتیا ہوئی اور ایسے ایسے، تو کل ہم لوگ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بھائیو، آپ ہم لوگ کو اتنا بات یاد رکھیو کہ جب یہ عورت کے لیے، مرد کے لیے یا کوئی ایسا چیز ہے، اس میں آپ کو حصہ لینا چاہیے۔ ریم ویک میں ایک پک اپ بھیا پھاٹ پڑا اسی جنگل میں، اسی جنگل میں پک اپ، بولے بھیا کنٹرول چھوٹ گیا سٹیئر کے، بس بھر 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 بھر، اسی بومز کریک، بوم یعنی بومز کریک رنگ ویک کی بات ہے، اسی میں گاڑی گھس گیا، بالکل گھاس سے بھرل ہے، بند ہے، اور وہی میں بوما سنی کی، وہی میں ساکا سنی کی، وہی میں ماکا سنی کی، اور وہی میں لباریا بھرل ہے بھائی، وہی میں گاڑی گھس گیا، کوئی کے چوٹ نہیں لگا۔ لیکن کیسے گھس گئے بھیا، کا کر رہے ہو؟ نیما تراخت خبوند، ایک لیر کراخت، ایک یفرو کے بات سنیو۔ ہمارے دیکھنے میں یہ سب بات جب انسان کے کان میں ٹھیک سے نہ پہنچے ہے تو وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ کیا دنیا میں ہونے لگا ہے۔ ایک اندروئی سرس، ایک 15 کے بچی، وہی کے کلاس میں پڑھتی ہے، اندروئی سرس، یہ فروج سے وہ کہتی ہے، اینڈ لیئرلنگ، ایک لیئرلنگ، ایک لڑکی بیٹھی ہے، تو یہ اندروئی سرس اس بچی پر فدا ہو گئی، فدا یعنی کہ بولے کہ پگلا گئی سے پیار میں، پیار کے چکر میں ایک عورت دوسرا عورت بچی پر ایک دم سے پیار میں پگڑائی گئی جیسے، اور اسے آسپراک کی، یہ اندروئی سرس اس 15 بچی سے آسپراک کی، اور کچھ سمے سے یہ اندروئی سرس اور یہ فیچن یارک لیر لیں گی بیشا، ان دونوں میں رگڑا رگڑو ہو رہی تھی۔ مئی کے 2 ارے بھیا،
ऐसे पता चला कि बच्ची है घरे, मैया घर पर नहीं है, और ये फ्रॉ भी आकर के बच्ची के घरे और बच्ची के साथ क्या करती है, बच्ची के साथ फुलौड़ी बेलती है लड़की के साथ ये फ्रौआ। भाइयों बहनों इतना बात याद रखिए, जब मैया घर पर आई है तो मैया बिटिया को बुलाती है, नादत से डॉक्टर अनपार के हाथ खरूपन क्वाहत में इसे जम द त्रय एड स्लाब कावर है किन छोरक इसका छोरकन ऑन द वेसरस। ये बच्ची ये दोनों वो गड़बर खेल खेल रही थी, वो गड़बर खेल था कि जो आजकल दुनिया में लोग इसको लेकर के दौड़ने लगा है, ये चीज के लिए लोग आजकल दुनिया को हिला रखी है। यफ्रो के गटई में एक शेख फ्लैश है, शेख फ्लैक फैचिन यार का लड़किया ओके शेख फ्लैक दे इसी यफ्रो वा के शेख फ्लैक को कहा कैसे बोले है, अरे से चंगुदरी दादी का बोले से जाके चाटे है ना, चाटे तो तनी खुना जा, इसे कुछ हो ही हम जहाँ सोची है, अरे चुम्मा लेते वहां पर दाग लग गई से यफरोवा के गटई में, तो भला के न शक करी कि ये दोनों में वो काम हो रहे थे जो प्रभु भी शर्मा करके खेती का बोले खटिया के नीचे भी घुस गया होगा कि हमारे दुनिया में का होने लगा, हम तो औरत मर्द तो भेजे थे संसार में लेकिन अब होने लगा क्या, ये तो एकदम से बदल गए, इतना बदल कि हिंदुस्तान के अधोकात लोग इजाजत भी दे दिया, रहकर इजाजत दे दिया करो। प्रभु ने इसीलिए खटिया के नीचे जाकर के लुका गया है, बोले जो करे मांगो करो आप लोग, जो अच्छा लगे आप लोग को करो। प्यारे लोग सही वॉक एर फन फॉर दैट सेक्सुअल हैंडलिंग टू हैव अ कंप्लीट मैटर 15 यार का लेरलिंग द अंडरवेसरस हेव्स एक्टर स्टेज ऑन कैन, लेकिन मैया तो ठीक देखी सबको करे स्लाब कामर में से निकलत है और गटई में एक चुम मतलब की एक चंगुदरी का एक दाग लगल है, तो शक क्यों नहीं करी भाई। तो अब लड़की एक चिट्ठी लिखी से had meisje verklaard dat zijn relatie van ongeveer een maand met de leerkracht heeft. Pjari loog. Zij ging ermee akkoord toen de verdachte haar om een relatie vroeg. Ab je lerk orat ja. Men je te nalies ki hai. To ab recht, ab sipahi je vrouwa ko le ja karke band ki hai. और कल ये कोर्ट भी था ऑफिसियल फॉर जस्टिसी, 2 साल के सजा की मांग की है, वार फॉर 3 या 4 वार दलत, देख लो का भे काकी, देख लो का भेल, छटक करके ये लोग ने अलग दुनिया बसाना चाहते हैं, छटक करके अलग दुनिया बसाना चाहती है, और चुम्मा इसको चुम्मा करो उसका चुम्मा करो, लंबा लंबा जी भी निकाल करके इनको चाटत है उनको चाटत है, और यही तो दुनिया को आज बर्बाद करके रखा है। एक आदमी मस्जिद में जाकर के चोरी की है भाई बहनों, और वो एक वेंटिलेटर चोरी की है, अतवार को इस आदमी को सिपाही गिरफ्तार किया है, अफंती लात और भी यानी मिल गया है, जंगल में लुकवाए थे। ए काका तो के हम बताए लाइ बहुत चकलस देख बहुत वह बुड़ गए हैं, आप सुनिए तबाशा, तो देख बहुत जब बुड़ल है तो अब सुनो ना, अब जब कोर्ट एक चीज के हुए ना तो
लोग को जानना चाहिए किसके बारे में ये कोर्ट होता है। अब दैविक बोध के बारे में कोर्ट हो, दैविक बोध तो है ये नहीं। लोगो जो एडवोकेट है, यानी जिस दैविक बोध का मालिक है उसका एडवोकेट है, उनका कहना कि बोध कहां है, वो तो है ये नहीं, तो मुकदमा कैसे हम चलाते हैं। अब सब बोल रहे थे भैया लोगो तू एडवोकेट है, हम लोग को जो जिस तरह से डाइकर्स लोगन, डाइकर्स लोग जो लोग यानी सामान लपेट करके वगैरह वगैरह है, शीर्ष स्टॉफ की बात हम करी ला, तो रेक्टर को, खरीफी को, ऑफिसी सब यूस्टिसी को, एडवोकेट को, सबको भैया शीर्ष स्टॉफ वाला मास्कर पहन करके बोले हम लोग चाहे डुबक्की मार के जा करके रीवा भेजे के को बजा भरी फीस में डुबक्की मार के चली देखे बोटिया कहा है, तब कहीं मुकदमा चल सकता है, वरना जब हम वोट न देख तो मुकदमा है ही नहीं, समझे। लोबो फ्रांस से खाफ हुद फर दे जके मुत खान डाइट कर इन द रिफीर ऑन द सेम ही डाइट हो तो बस एक तरह। अब रेक्टर होता सब कोई मास्क उसे पहन करके चाहिए ढुबक्की मार करके बोटिया देखे तब कहीं मुकदमा चले। तो ये तमाशा है हमारा देश में भैया लोग है, बड़ी तमाशा काका, बहुत बहुत बड़ा तमाशा करियो तो का करियो भैया, जैसा देश वैसा भेष है। प्यारे लोग, द्रियन शस्त्र किलोग्राम दृक्ष, द्रियन शस्त्र किलोग्राम दृक्ष, एक किलोग्राम के बात ना बप्पा, एक कंटेनर में ये सब मौजूद है। और जो जो यहां गिरफ्तार हुआ है वो तो आप जानते हैं, मारियो फरदाख्तन, मारियो एल, स्टीफन पे, मरीनो का, मेल्फिन डे, ईशान खे, जॉन वे हिमफ्री का, पेड्रो ब्रायन डे, विनय से, फ्रालंटिनो एस, पाल्मीटा वे, ये सबको बुला करके पूछताछ हुआ है एक कंटेनर में ये सब दृक्ष मौजूद था जो प्रदेश के लिए तैयार हो रहा था। समझ रहे भैया, अभी इसमें फोरस नहीं है लेकिन मुकदमा आगे बढ़ेगा, मुकदमा आगे बढ़ रहा है। ये 300 किलो दृक्ष जो एक कंटेनर में मिला, वो कंटेनर जो ये लोग कंट्रोल करके और उन्हें पॉस्पर करना चाहते थे। मैं आगे चल करके अभी कुछ दिन पहले, ये कुछ साल की बात है, 2016 के बाद है, 10 अक्टूबर एक लंबो शॉप में एक बवाकर को शिवचरण लक्खीचंद का हत्या कुछ लोग जाकर के किया, डाका डल रहे हैं उनको हत्या की। रने ये कैनच अलेक्सांड्रो एम से अश्विन और दे जितेंद्र ये सब गिरफ्तार हुए। भाई बहनों, अभी तक यह मुकदमा रुका पड़ा है और अभी तक इसमें फोरस नहीं हुआ है। नई खलो फैमर को यह मुकदमा फिर आगे चलेगा क्योंकि ये लोग ने मिलकर के शिवचरण लक्खीचंद का हत्या की है। ये बहुत दुख की बात है लेकिन यह मुकदमा आगे बढ़ता है। एक मुकदमा वो भी मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं। कोर्ट में खड़ा ओस्वाल्डो फे एंड ब्रिजिट हा, ये दोनों तुकीनम सारी दिन 28 दिसंबर 2016 इनके घर में घुस करके ये लोग ने तुकीनम सारी दिन को हत्या किया, समझे ना। 28 दिसंबर में
तो आफ्टर द डिसम्बर के बाद ये लोग फिर से गए उसी घर में और घर में से वेंटिलेटर, रेडियो, ट्वे टेलीविजन टू स्टेलन एंड डे स्पेलर और हंता शेव सीराडन ये चोरी करके वहां से भागा है। उस समय लाश घर में थी क्योंकि 28 तारीख को तुकी ने सारी दिन को यही लोग हत्या करके उसी घर में छोड़ दिया और एक दिन बाद गया ने सब चोरी करे वही घर में। बाद में तो गिरफ्तार हुआ। टीख ओसवाल्डो इस 18 यार सेल स्ट्रफ का एस एंड टीख ब्रिगेट हा फ्रेश प्राग। लेकिन यह मुकदमा अभी फैसला नहीं हो पा रहा है। यह मुकदमा आगे जाएगा और कितनी पूछपाछ होगा। तो हम सोचिला तो ये कहीं फैसला होगा, ये ऐसिंग है लेकिन अब रेक्टर फैसला करेगा। तो देखो कैसे इंसान चोरी करते हुए इंसान मनुष्य के हत्या कर देते। यहां भी एक टोकिनेम सारी देन की मृत्यु हुई। योनाथन एल के बारे में कहा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को स्कूल से उठा करके ले गई है क्लारिसा बोल्डवेन को और हाईवे पर उन्हें हत्या करने के बाद उन्हें गाड़ दिया। लेकिन अब कोर्ट कचहरी होने लगा, उनका एडवोकेट दुबुआ क्या कहता है, रेक्टर ये हत्या नहीं है। तो रेक्टर मुझे कहे हत्या न है क्योंकि योनाथन एल हमार क्लियंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट क्लारिसा बोल्डवेन को जिंदा गाड़ी से रहा। आप सुनो तमाशा, उन्हें जिंदा गाड़ी से रहा, उनका हत्या वो नहीं की है। है बखरूफ हार ट्रेवल से नॉक इन लीफ एंड वास बाद में वो गुजरा है। यह मुकदमा 10 दिसंबर को फिर कोर्ट में आएगा। यह आदमी ने कहा कि उन्हें मैं जिंदा जला दिया है, जिंदा उनको मैं उनको दफन किया है। बहुत बहुत गड़बड़ गड़बड़ चीज हुआ देश में भैया। अब सुनियो पेनिटेंशियर अमतनार किया कौन बहादुर की है, क्लाइड एम मिगवल बे एंड पूरन खे के साथ इनको कोर्ट में आना पड़ा। इंग्रिड लक्की चरण रेक्टर बैठी है, ऑफिसर परिस्थिति शांता महादेव। प्यारे लोग 51 ग्राम गांजा इन लोगों के पास था जब ये लोग को सिपाही गिरफ्तार की है। ये इन लोगों को केल में जाकर के खिलाता पिलाता था। या बात यहां लिखा है मिगवल बेसो बत्रोकन जैन बेड जा क्लाइड एम वर्थ एरफन फरदा दैट हे द ड्रग्स सो हैव अफलीवर्ड एंड फरस्ट्रेक्ट हे सो अल्स अम्तनार गिफ्टन एंड बलोफ्टन हैव आंगनोमन वट इन स्ट्रेट इस मेट जैन प्लिख्ट। 3 लोग गिरफ्तार हुआ है। ये 2 कैदियों को एक पेनिटेंशियर अमतना क्लाइड इन लोगों के लिए गांजा ड्रग्स ये सब चीज ले जाकर के देता था कि वो लोग ने खींचे जेल में और क्या गुना करे या क्या करे। नवंबर को ये मुकदमा जज के सामने फिर से लाया जाएगा, तब जज उसमें कुछ फैसला करेगा। निकियारी के जनता और कॉलोनी के जनता ध्यान से सुनियो। पहले कॉलोनी नहीं था, पहले था निकेरी एंड अपर निकेरी, समझले। पहले ऐसे रहा निकेरी एंड अपर निकेरी। 10 अक्टूबर 1851 वेट कॉलोनी अफ स्प्लिट डिस्ट्रिक्ट निकेरी। कॉलोनी निकेरी लगभग एक ही रहा, निकेरी एंड अपर निकेरी ऐसे रहा दोनों के नाम।
10 oktober 1851 कोरोनी निकेरी से अलग कर दिया गया। एक 167 साल हो रहा है कि कोरोनी इतवार को हुआ है कि कोरोनी 10 अक्टूबर 1851 को निकेरी से अलग किया गया, कोरोनी को निकेरी के ऊपर निकेरी और उसका नाम रख दिया गया कोरोनी, तब से कोरोनी नाम है, लेकिन उससे पहले ऊपर निकेरी था उसका नाम। इतवार को वहां कोरन मंदिर था, यानी कि नाच गाना था, डिस्ट्रिक्ट में नाच गाना था भैया, समझे ना भैया, वहां पर कुछ कुछ प्रोग्राम था, लड़कन के प्रोग्राम, बड़े लोग को प्रोग्राम था और नाच गाना था, और रीमी तरनाडी डिसेस कमिश्नर अपना भाषण दी है ना? और कोरोनी स्वाम्प जो है, कोरोनी स्वाम्प को कल से बस खैरन खबित कर दिया गया, वहां पर टूरिस्टन के जाने के लिए अब प्रोग्राम तैयार होगा। और दो कोरोनियान शाह जेफरी एंड माइकल सुलोरी, इन दोनों को मान मर्यादा दी गई है। इसलिए जनता, आप लोग को यह सब बात जानना चाहिए, कोरोनी एक जमाना निकेरी था। इसलिए मैंने कहा आप लोग से कई मर्तबा कि खेती बाड़ी निकेरी कोरोनी मिलकर करना चाहिए, निकेरी और कोरोनी दोनों को मिलकर के खेती बाड़ी करना चाहिए। इतना धान लगाओ कि वेस्ट इंडीज कैरेबियन खमीज के तमाम लोग बात जब करें तो बोले सूरीनाम में चलो धान खरीदे या चौर लेने, लेकिन हम लोग के बीच में एकताई है या नहीं, तो काम कैसे हो। कोरोनी निकेरी के जनता में एक जबरदस्त सामन वर्किंग होना चाहिए विश्वासी रूप में, तो आप लोग इतनी चौर, इतनी धान, इतनी चौर आप लोग बेल चलान के लिए तैयार कर सकते हैं कि दुनिया देखते रहेगा। जहां जैनी है ना, जैनी है ना भैया, जैनी कोरोनी, वहां से ही ना ब्रुक के रास्ता अब फिर से अस्वतेर होगा। द आर्मी में बैताली ग्रुप जैनी से लेकर के कोरोनी से लेकर के हीना ब्रोकी के रास्ता फिर से आसपास तैर करेगा। फॉर ऑफ जैनी एनर्जी से कोरोनी टॉप एंड मैट डिस्ट्रिक्ट निकेरी हीना ब्रिक। कल ऑफिशियल स्टार्ट सेंड दिया जाएगा, कल ऑफिशियल स्टार्ट सेंड, कल से कल शुरुआत है, यानी कल से ये रास्ता पर आसफल गिरेगा, यानी से लेकर के हेना ब्रोकी तक एकदम से चिक्कन रास्ता मौसी, चिक्कन एकदम से तू अपना मुंह देख सकेगा उसमें कि तुम्हारा सब दांत आप देख सकेंगे, कितना चिक्कन चिक्कन आसफल रहेगा। तो यानी से जाकर के कोरोनी से जाकर के हेना ब्रोकी तक ये आसफल तेर होगा, समझ रहे ना, इतना बतिया तू याद रखिए। आगे आगे हम चलते हैं तो हम क्या देखिला भैया, ये बात हम आप लोग को बताना चाहूंगा कि और नामी वो के समस्या अभी तक हल नहीं हुआ है, और नामी वो के समस्या हल नहीं हुआ है, कितना स्कूल अभी तक बंद है भैयो, रिसोर्ट होटल OS1 होटल, OS2 होटल, FAOA होटल, ये लोग इतना धुआं और जो गंध उठ रहा है इसी कारण से सब स्कूल बंद है। आंताल स्कूलन गेस्लोटन डोर ऑर्नामिबो रोक ओवरलास्ट, बहुत गजब की बात है भाई। इसलिए सरकार को वहां के जनता से जाकर के और खुद बातचीत करना चाहिए, ना आयरे घरों को भेजो
वहां सन्नाम के जो बड़े बड़े लोग जो है वहां जाकर के वहां के जनता से आप लोग को बात करना चाहिए कि जो हुआ है वो गलत हुआ है और आप माफी मांग सकते हैं। आद्रोन के जो पर्सोनेज है वो आक्सी से, भैया आक्सी है 12 बजे तक ये लोग काम करते हैं। आंद्र फॉन डेक रेस ऑनजुक सेंटर निकेरी आद्रोन, ये लोग को तनख्वाह सितंबर महीना के तनख्वाह अभी तक ये लोग को नहीं मिला है। फॉर डेयंग द्वारका, ये भी आद्रोन का फोर्स है, अपना आवास को उठाई से मजदूरों के लिए कि ये सरकार अब तो जाग जा, कितनी बार कितनी समय तक आप लोग आराम करते हैं सो रहे हैं और गरीब जनता भाई भूखे इंतजार कर रहा है। आने फॉन देख रही ओंदरजुक संतरिम सेप्टेम्बर के पैसा इन लोग को नहीं मिला है। सलारस ऊपर बाद सेप्टेम्बर नीट है वो ऑन, इसलिए 12 बजे लोग काम बंद कर देता है। ये ठीक चीज नहीं भैया, कैसे इंसान के साथ ऐसे होता है? यही लोग है जो आज हम लोग को पेट भरता है। यहां पर चौर आता है, सब कुछ आते हैं, लेकिन अगर ये लोग धान वगैरह लगाना बंद कर देगा तो हम लोग हवा खाएंगे, हवा खाएंगे और गाय की तरह घास खाएंगे, घास। दुख की बात है प्यारे प्यारे लोग, मैंने आपसे कहा ना कि जसवा में और नामियों की समस्या देख करके और इस देश के मुसीबत देख करके मुर का पीड़ा बहुत शुरू है, बहुत ज्यादा हो गया है। हूफ पेन, लूपनेस एंड हुस्टन, ये ज्यादा हो गए सूरीनाम में, चिंता के कारण से कहा कि चिंता चिंता। कोई को मर्द से प्रॉब्लम है, कोई के औरत से प्रॉब्लम है, कोई को सरकार से प्रॉब्लम है, कोई को मिनिस्टर से प्रॉब्लम है, कोई के और से प्रॉब्लम है। ये मुसीबत देशवा भर के अंदर में लोग को मूर्ख के पीला दे दिया है। हूफ पेन, हूफ पेन भैया, जोर से न धीरे से, क्या हाँ। का बताई बप्पा। और ऐसे करके हमारे सूरीनाम के हर एक जनता, हमारे प्यारे प्यारे जनता, यहां पर लिखा है एक आदमी जो कुछ दिनों से गिरफ्तार है, इसका नाम है मेगिलियो आ। भाइयों बहनों, एक 13 साल के बच्ची को यह बलात्कार किया है। मैं गिरियो आरेक्ट फॉर अजन दलित फरकार से फरकर सेक्सुअल मिसब्रेक इज दो फरदाख्ट इज नेफ। समझ में ना आवे है कि देशवा में भूत कैसे घूमने लगा। ये भूत इंसान के दिमाग को एकदम से रद्द कर दिया। मिगिलियो अपने नेक्स्ट के 13 साल के बच्ची को बलात्कार की है। बोले हमें झूठे पकड़ के बंद किया है, सास सूरीनाम को पर मुकदमा ये चलाना चाहता है, लेकिन रखते बोले ठेगा नहीं, नवंबर इसमें अपना फौर सुनाएगा। 20 तारीख को नेशनल फ्राइडा है, चीनेजा एमिग्रेशन, जैसे आप जानते हैं 165 साल ये लोग के हो रहा है, और सही फिर से किया चीनेजा एमिग्रेशन, समझे ना भैया। हम लोग अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान से एमिग्रेशन 145 साल को मनाए हैं, फिर केटी कोटी 155 साल को मनाया गया, अब ये चिनवा के है 165 साल
Chinese emigratie. भाइयों बहनों, तो जाने की आज हमारे देश में, यही तो माउस है देश में, हिंदुस्तानी के कोई प्रोग्राम तो उसमें दुक्सा गिरत है, दुक्सा दुक्सा बकरी बेड़ा केती कोती 155 साल से है केती कोती, तो उसमें भी सुपु सुप मोक्सालेसी, उसमें भी दुक्सा और खसी भेड़ा वगैरह गिरता है। 165 साल सीरीज है मिक्राची, यहां अलग वाला गोश मिलेगा, अलग वाला गोश मिलेगा। लमकली चिजवा जो भागा था इसे 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 बहुत चक्कर से खा के। अगर मतलब कि आप जाएंगे न्योता में तो आप खुद देखेंगे कि कितना चटक पटक शुरुआत में वो तैयार करता है। खा करके देखिए तो एक दिन सरना में लबारिया ने को सांप रह जाएगा, क्योंकि तब पता चलेगा कि उसका गोश्त कितनी मीठा है। हमारे जनता, ये सब बात मैं बताता है। और एक बतिया सुनो राकेश कुमार बेई के बारे में, रिसर्च 36 साल का अपलिफ्टर राकेश कुमार बेई को गिरफ्तार की है। राकेश कुमार बेई घूम घूम करके लोग से कहते वो है ऑन द नेमर, ऑन द नेमर सुपरमार्केट के लिए सामान बस्तर करता है। एक सुपरमार्केट 35,000 उनकी हाथ पे दे दिया कि अब वे सौदा तो ला देते हैं। राकेश तभी से लापता है, कहते वो सेल्समैन है, फ्रूट अंडलार वगैरह वगैरह दुनिया को दिखाता है। राकेश इतना किया कि सब लोग उनको विश्वास करने लगा कि एक बिजनेसमैन है। लेकिन जब से राकेश के हाथ में पैसा आया, राकेश लापता। बस सिपाही खोजत खोजत बीफे को 11 अक्टूबर को इस चोर को गिरफ्तार कर लिया है। समझे बप्पा? अब बोली तो काल न बोली बप्पा। देखिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फुटसल डाक है, वर्ल्ड फुटसल डाक है। फुटसल बहुत बलंग रहे, बहुत जरूरी बड़ी अहम चीज है दुनिया के लिए, इंसान के लिए, मनुष्य के लिए। ये फुटसल है, रोजाना एक इंसान के घर में ये फुटसल तैयार होता है। खाना के बाद हम करते हैं कि घर भर प्रेम से भोजन कर सके। विवाह शादी में ये खाना तैयार होते हैं, जिनों को न्योता मिलता उनको पेट भरने के लिए। ये सही बात है कि बहुत से लोग कभी कभी ये खाना से अपने आप को एक धन्ना सेठ के जरिए दिखवाता है कि देख हम ऐसा खाना तैयार कर सकते हैं। कभी कभी न्योता में चला जाओ, या बड़े न्योता की बात हम कर रही हैं, तो एक रही वहां पर है भेड़ा के गोश, एक वार रही में बकरी के गोश, एक वार रही में दुक्सा के गोश, एक वार रही में मुर्गा के गोश, और एक वार रही में और कुछ के गोश होता है। प्यारे लोग, न्योता में ऐसा ही होता है, कोई इतराज नहीं है। अगर आज हम इतराज करेंगे तो बिहार से न्योता ही बंद हो जाएगा हमारे। इसलिए खाना जो है हिंदुस्तानियों के लिए, तो कभी जनता मायूस होकर घर नहीं जाते हैं, खूब खा करके जाओ, लपेट के भी ले जाओ, जितना चाहो लपेट। समझे ना काका? ऐसे हम लोग का जीवन चरत है, चलने दो।
मैं से रही हो, फिर हम आप लोग से भेंट मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।